प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी के अक्षरों का की जानकारी दी जा रही है। आज आपने हिंदी की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हिंदी में सबसे पहले हमें स्वर फिर व्यंजन। तो बच्चों, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13। स्वर होते हैं 13। और उसके बाद व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो आज आपको सबसे पहले स्वरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो स्वर सबसे पहले कौन सा है? छोटा आ। ये देखो, सबसे पहला स्वर कौन सा है? छोटा आ। छोटा आ से अनार। अनार। छोटा आ से अनार। अनार। फिर इसके बाद आता है बड़ा आ। बड़ा आ से आम। बड़ा आ से आम। बड़ा आ से आम। हाँ, तो अब आएगा तीसरा। तीसरा कहेंगे से छोटी ई। छोटी ई। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। अब आएगी बड़ी ई। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। अब आएगा छोटा ऊ। छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। अब आएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। हाँ, पहला छोटा ऊ आया, फिर उसके अंदर एक डंडी लगा दी गई, तो बड़ा ऊ बन गया। बड़ा ऊ से ऊन। अब आएगा री। री से ऋषि। री। री से ऋषि। री से ऋषि। इसके बाद है छोटा ए। छोटा ए से एक तारा। छोटा ए से एक तारा। छोटा ए से एक तारा। फिर बड़ा ए। बड़ा ए से ऐनक। बड़ा ए से ऐनक। छोटा ए से एक तारा। बड़ा ए से ऐनक। बड़ा ए से ऐनक। ऐनक। इसके बाद छोटा ओ। छोटा ओ से ओखली। छोटा ओ से ओखली। छोटा ओ से ओखली। ओखली। अब आएगा बड़ा ओ। बड़ा ओ से औरत। बड़ा ओ से औरत। अब आ। आ के ऊपर एक बिंदी सी आ जाती है, उसे कहते हैं आ। आ से अंगूर। से अंगूर। तो शब्द है अंग। 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 हाँ, अंग। अंग। अंगूर। अंगूर। तो शब्द बन गया अंगूर। अंगूर। हाँ, अंगूर। अब ये फिर इसके बाद आ के साथ दो बिंदी आती है, इसे विराम चिन्ह कहते हैं, एक तरह से जिसमें रुकना पड़ता है। आ के बाद यदि विराम चिन्ह आ जाए तो आ ऐसे वैसे बोलना पड़ेगा। आ लंबा करके थोड़ा सा आ, आ, आ। तो ये दो आखिर वाले थे आ और आ। तो आज आपको 13 व्यंजनों की जानकारी दी, स्वरों की, 13 स्वरों की जानकारी दी गई। आगे फिर अब व्यंजनों की जानकारी दी जा रही है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं का से। तो का से कबूतर। का से कबूतर। का से कमली। का से
कमली। तो जो छपा हुआ है वो क्या है? कबूतर। तो का से हम कितने ही हजारों लाखों शब्द का से प्रकट किए जाते हैं। का से किसी का नाम भी हो सकता है, का से कविता भी बोल सकते हैं, का से किताब भी बोल सकते हैं। तो का बहुत ही शब्दों में यूज होता है। ऐसे अन्य स्वर भी अन्य अन्य शब्दों में यूज होते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन का कौन सा शब्द है? का। तो का से कबूतर, का से कबूतर, और खा से खरगोश, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से गमला, घा से घड़ी, घा से घड़ी, घा से घड़ी। और अब जैसे शब्द कुल मिलाकर बोले तो इसका अगला जो पांचवा आएगा, क ख ग घ ड, क ख ग घ ड। तो ये गले के अंदर से प्रकट होगा तो ये खाली रहेगा। आगे है च, च से चरखा, च से चरखा, छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, हवा में उड़ने वाला भी है जिसे एरोप्लेन कहते हैं, और वो जहाज भी है जो पानी के ऊपर भी तैरता है। तो जहाज कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक हवा में उड़ने वाला जहाज जिसे हवाई जहाज कहते हैं, एक पानी में चलने वाला जहाज। तो ज से जहाज, झ से झंडा, इसको हम तिरंगा भी कहते हैं, जो हमारे भारत की शान है, भारत का हमारा झंडा है। तो झ से क्या हुआ? झंडा। इसके तीन कलर होते हैं। सबसे पहले गेरुआ रंग का, बीच में सफेद रंग का, और आखिर में हरे रंग का। तो ये तीन रंग का है, इसे क्या कहते हैं? झंडा। झ से झंडा। और न्या, न्या खाली है, ये भी गले से प्रकट होता है, ये शब्दों के बीच में लिखा जाता है, इसे कहते हैं न्या, न्या। आगे है ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। और आगे है ठा, ठा से ठठेरा, ठा से ठेला भी बोल सकते हैं, खींचने वाला जैसे ठेला, ठा से ठुमका भी बोल सकते हैं। तो ठा के भी अनेकों शब्द हो सकते हैं। तो यो यहां जो लिखा हुआ है ठा से ठठेरा, ठठेरे का मतलब क्या हुआ? तमाशा दिखाने वाला, जो आदमी को जैसे बंदरों का कोई तमाशा दिखाता है, है? कोई वस्तुओं का तमाशा दिखाता है, बर्तन ठोकने, कोई बर्तन ठोकता है, तो कोई संगीत का तमाशा दिखाता है, कोई गाना बोलकर तमाशा दिखाता है। तो ठा से क्या बोलेंगे? ठठेरा। ठठेरा का क्या मतलब हुआ? तमाशा दिखाने वाला। तो अगले व्यंजन की ओर चलते हैं। अगला व्यंजन है डा, और डा से क्या हुआ? डमरू, डा से डमरू। आगे है ढा, ढा से ढक्कन, किसी भी डब्बे का ढक्कन हो, किसी भी डिब्बी का ढक्कन हो, या किसी भी चीज का, आगे पेन का ढक्कन हो, तो ढा से क्या हुआ? ढक्कन। आगे है ना, आगे क्या है? ना। आगे है ता, ता से तरबूज, ता से तरबूज, था से थर्मस। थर्मस क्या वस्तु है? थर्मस के अंदर जो भी तरल पदार्थ जैसा भी डाला जाता है, जैसे गर्म पानी डाला जाए, गर्म चाय डाली जाए,
गर्म दूध डाला जाए तो काफी समय तक वह गर्म ही रहता है, और यदि ठंडा डाला जाए तो काफी समय तक ठंडा रहता है। तो था से क्या हुआ? थर्मस। आगे क्या, आगे चलते हैं दा की तरफ। तो दा से क्या बना? दवात। दा से दवात। दा से हम दीदी भी बोल सकते हैं। दा से दक्षिण भी बोल सकते हैं, जो दक्षिण दिशा होती है। दा से अन्य शब्द किसी के नाम को भी पुकार सकते हैं, ठीक है। तो हम दा से यहां जो लिखा हुआ है दा से दवात। आगे है धा। धा से धनुष। धा से धनुष। और आगे है ना। ना से नल, नल जिससे पानी गिरता है। तो ना से नल, नल। पा से पतंग। पा से पतंग। पतंग। फा से फल। बा से बतख। भा से भालू। फा से फल। बा से बतख और भा से भालू। तो आगे शब्द लगातार पढ़ते हैं। डा ढाणा, बोलिए डा ढाणा। ता था दा धा। ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा। पा फा भा भा और आगे मा। मा से मछली। मा से क्या बना? मछली। मा से हम माँ भी कह सकते हैं। मा से मछली। मा से माँ। मा से ममता। इसी प्रकार अन्य शब्द भी यूज किए जा सकते हैं। तो बच्चों अगला है या। या से यज्ञ। या से यज्ञ। या से यहां भी बोल सकते हैं। या से यहां। या से यहां। यहां, यहां कौन आया है? तो पहला शब्द हुआ या। या से क्या बन गया? यहां। या से कोई वस्तु का नाम देना हो तो ये क्या है तो संबोधन करते हैं ना। तो किसी से कोई शब्द प्रश्न में पूछते हैं ये क्या वस्तु है, तो पहला शब्द कौन सा आया? या। तो या से क्या बना? यज्ञ। या से यज्ञ। रा से रथ। रा से रा से रथ। और आगे है ला। ला से लट्टू। ला से लट्टू। वा से वक। वा से वक। आगे है शा। शा से शलगम। शा से शलगम। आगे है श। क्या है? श। शा से षटकोण। शा से षटकोण, जो छह जगह से जिसका सिरा मुड़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे? षटकोण। ये छह प्रकार से मुड़ा हुआ है, ये डिजाइन में छह प्रकार से बना हुआ है। तो ये इसके छह सांचे बने हुए हैं, तो इसके क्या, इसे क्या कहेंगे? षटकोण। षटकोण। आगे है स। स से सपेरा। स से सपेरा। तो किसी के नाम को भी हम बोल सकते हैं, जैसे सुरजीत सिंह जी। बोलो जी, सुरजीत सिंह जी। सिंह जी। तो सुरजीत भी बन सकता है। सा से। सा से यहां लिखा हुआ है जो, वो है सपेरा। सपेरा। सा से सपेरा। हा से हवाई जहाज। हा से हवाई जहाज। आगे है क्षा। तो व्यंजन तो यहां तक हुए। आगे जो तीन शब्द हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे क्षा और त्रा और ज्या।
दो शब्दों के मिल से बने हैं, का तीन शब्दों के मिल से और भी, का श और आ, का श और आ से मिल के बने तीन शब्द जिसे कह कहेंगे क्ष। तो क्ष का क्या बन गया, क्षत्रिय, क्षत्रिय। और त्र, त, र और आ शब्द दो व्यंजन बने, एक एक स्वर बना, त, र और आ क्या बन गया, त्र। तो त्र से क्या बना, त्रिशूल, त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। आगे है ज्ञा, ज्ञा भी तीन शब्दों के मेल से बना है, जा, न्या और आ से, तीन शब्दों के मेल से बना है बच्चों, एक शब्द से नहीं बना है ये ज्ञा। ये तीनों शब्द क्षत्र और ज्ञा, ज्ञा कौन से अक्षरों से बना है, जा, जा, न्या, न्या और आ, आ। जा, न्या और आ क्या बन गया, ज्ञा। ज्ञान का मतलब आगे ज्ञानी, ज्ञानी, इसको मतलब ज्ञानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द गा, गा नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर है जा, जा से क्या बनेगा, ज्ञानी, ज्ञानी। मतलब ये तीन शब्दों से मिलकर बना, लोग गलत बोलते हैं इसको, ज्ञा पढ़ देते हैं, तो ज्ञा नहीं बोलना है, इसको बोलना है ज्ञानी, क्या बोलेंगे, ज्ञानी, ज्ञानी। तो आज हमने स्वर और व्यंजनों की पूरी जानकारी ली है, और बच्चों इसे लगातार पढ़ते रहने से, लगातार पढ़ते रहने से आप में ज्ञान भरपूर बढ़ेगा। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, जिससे सब के सब बच्चे ज्ञान का भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद।